नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया के शेप और उनकी अरेंजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पहले तो हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, तो उनको नाम के सहारे देखना है। तो फर्स्ट है कोकाई। कोकाई क्या होता है? ये स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कोकाई ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये कोकस से आया है। कोकस मतलब बेरी होता है, बेरी स्पेरिकल होता है ना, तो बस ये स्पेरिकल ही होते हैं। और ये सवाल पूछा था दोस्तों ESIC एग्जाम में अभी कि कोकाई का शेप कैसा होता है, तो ये स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट देखना है बैसिलाई। ये वर्ड आया है बैसिलस से, बैक्यूलस। बैक्यूलस का मतलब होता है रॉड की तरह, तो ये बैक्यूलस से बना बैसिलाई, तो ये होते हैं रॉड शेप, ठीक है। ये हो गया रॉड शेप। इनकी लेंथ बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है, इसलिए ये रॉड की तरह दिखते हैं। इसमें और एक छोटा कंसेप्ट है, ये कोको बैसिलाई को समझ लेना। ये कोको बैसिलाई में क्या होता है, ये बैसिलाई ही होते हैं पर इनकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, तो इनको कोकाई और बैसिलाई से डिफरेंट होते हैं। इनको याद रखना है आपने, कोको बैसिलाई। नेक्स्ट होगा विब्रियोस करके, ठीक है। विब्रियोस तो ये होते हैं कर्व और कॉमा शेप रॉड्स, रॉड्स ही होते हैं पर इनका शेप कैसा होता है, ये कॉमा की तरह होगा, थोड़ा सा कर्व होगा, रॉड की तरह ही मगर थोड़ा सा कर्व या फिर कॉमा शेप होता है, ठीक है। ये देखो, ये विब्रियोस है ना, ये वाइब्रेशन से बना है। विब्रियोस वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा कर्व हुआ है, कॉमा शेप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइरिला। तो ये स्पाइरिला क्या होता है? नाम में ही है, स्पाइरल है, तो ये रिजिड स्पाइरल होगा या तो फिर हेरिकर फॉर्म्स होता है, ठीक है। ये रिजिड को याद रख लेना, यहाँ पे ये रिजिड होता है, ठीक है। और ये स्पायरोचिट्स को समझ लो, ये फ्लेक्जुअस स्पाइरल फॉर्म्स होता है। देखो स्पाइरल तो दोनों है, स्पाइरिला भी स्पाइरल है और स्पायरोचिट्स भी स्पाइरल है, लेकिन जितना बड़ा होता है ना उतना फ्लेक्जस होता है और जितना छोटा होगा उतना वो रिजिड होता है, ठीक है। छोटी चीज़ अगर आपको तोड़ने बोलो तो वो हार्ड जाएगी, मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी बड़ी चीज़ दो तो वो थोड़ी फ्लेक्जियस होती है ना, तो वो टूट सकती है। इसी से याद रखना, छोटा नाम है तो रिजिड है, बड़ा नाम है तो फ्लेक्जिबल है, और स्पाइरल शेप तो नाम में ही पता चल रहा है। नेक्स्ट देखना है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? देखो इनको ना, ये सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया होने की वजह से इनको कोई भी स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं होती। कभी ये राउंड मिलेंगे, कभी ओवल बॉडीज के शेप में मिलते हैं। ये माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा क्या बोल रहा है? मेको सेल वॉल नहीं है, माइको सेल वॉल नहीं है, ये माइकोप्लाज्मा को कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं होती है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फार्मा नोट्स वीडियोस के सारे PDF आपको अवेलेबल किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो आप लोगों ने पेटीएम में से 200 रुपये इस नंबर पर सेंड करना है, पेटीएम कर देना है, ठीक है। तभी आपको सारे के सारे PDF वो टेलीग्राम चैनल पे जहाँ आपको ऐड किया जाएगा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब भी आप ये पेटीएम से 200 रुपये सेंड करोगे तो आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका गुड नेम इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट किया जाएगा, और आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपने टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। और अगर ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए अब तक आपने 0 डिजिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, आपको यहाँ पे सारे मैथ्स के वीडियो मिल जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे जनरल साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको
इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीट साइंस स्कॉलर्स, ठीक है। ये दोनों चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आपने इसको सब्सक्राइब करके रखना है। आपको यहाँ पे सारे वीडियोस धीरे धीरे करके मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी अब देखना है अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अरेंजमेंट्स को देखना है कि बैक्टीरिया कैसे कॉलोनी तैयार करता है या फिर कैसे रहता है, ठीक है। इसमें होता है डिप्लोकोकाय। अब ये डिप्लोकोकाय मतलब क्या है, नाम में ही है डिप्लो, ठीक है। डिप्लो यानी दो, तो अरेंज इन पेयर्स होते हैं ये। देखो कोकाय जब भी डिवाइड होगा ना तो वो साथ में ही रहेगा। जैसे एग्जांपल आएंगे न्यूमोकोकाय या फिर गोनोकोकाय, ये देखो ये पेयर पेयर में दिखते हैं ना, ये ऐसे कोकाय जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया दो दो मतलब पेयर्स में रहते हैं, तो इनको डिप्लोकोकाय बोला जाता है। फिर है लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन में ये स्ट्रेप्टोकोकाय आएगा, एंटेरोकोकाय, लैक्टोकोकाय, ये ऐसे लॉन्ग चेन बना के रहते हैं, ये बैक्टीरिया है, इनकी लॉन्ग चेन बनी है। तो इसका एग्जांपल जो है स्ट्रेप्टोकोकाय, इसे याद रखना है आपने। स्ट्रेप्टोकोकाय कैसे ग्रुप में रहता है, तो लॉन्ग चेन बना के रहता है। फिर है ग्रेप लाइक क्लस्टर बना के, इसका एग्जाम्पल है स्टाफाइलोकोकाय। ये ग्रेप्स की तरह होते हैं ना, ग्रेप्स का जो भी क्लस्टर होता है उस टाइप में ये स्टाफाइलोकोकाय रहते हैं। तो इन दोनों में आपने याद रख लेना है, स्ट्रेप्टोकोकाय होगा तो लॉन्ग चेन और स्टाफाइलोकोकाय होगा तो ग्रेप्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी टेट्राड्स। टेट्राड्स देखो, टेट्राड्स तो नाम में ही ना, टेट्रा, टेट्रा यानी कितना, चार सेल। डिप्लॉइड्स यानी क्या, दो सेल्स होंगे ना डिप्लोकोकाई के अंदर, ये टेट्राइड्स है तो चार होंगे, तो फोर सेल। वेन्स कोकाई डिवाइड इन टू प्लेन्स, तो ये चार सेल के ग्रुप में रहेंगे। इसका एग्जांपल आएगा जीनस से माइक्रोकोकस होगा, जीनस माइक्रोकोकस वाले आएंगे इसमें। और एक एग्जांपल है गैफका टेट्राजिना, ये नाम ही है ना टेट्राजिना, ये टेट्राइड्स फॉर्म में अरेंजमेंट होता है इनका। नेक्स्ट है क्यूबिकल पैकेट्स। क्यूबिकल पैकेट्स क्यूब्स होते हैं ना, तो क्यूब्स को जो भी कॉर्नर होते हैं वो एट होते हैं, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो एट सेल्स ग्रुप में होते हैं। वेन कोकाई डिवाइड ना थ्री प्लेन्स, ये याद रखना, यहाँ पे ये थ्री प्लेन्स है, थ्री प्लेन्स। इसका एग्जाम्पल होगा सार्सिना जीनस वाले जो भी कोकाई है वो इसमें आएंगे क्यूबिकल पैकेट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजीज आपने समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में शायद पूछ ले, ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है। ये ट्रांसडक्शन वाला फेनोमेनान है ना, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है किसकी मदद से, बैक्टीरियोफेज की मदद से। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर ये बैक्टीरियल डीएनए होगा जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इस फेनोमेनन को ट्रांसडक्शन बोलना है, ठीक है। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखना दोस्तों, ठीक है। और ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है, जो भी नए लोग हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।